साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीख रहे था ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों कुछ कमेंट आए कि सभी मुहूर्त तो बताए, थोड़ा देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त बताएं ताकि नए घर का निर्माण हम लोग करेंगे तो पुराने घर से देवता अपने घर में कैसे लाएंगे और लाएंगे तो वो किस मुहूर्त में लाएंगे, इसके बारे में हमने बहुत विचार करके अन्य पंचांग एवं दूसरे पुस्तकों से अध्ययन करके आप लोगों के सामने मैं उस मुहूर्त को लाया हूं जिसको देखें सुने और समझें। साथियों मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को मैं बहुत से बहुत सरल भाषा में और आसान तरीके से उपयोग करने वाले मुहूर्त के बारे में बताएं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। आज हम लोग इस मुहूर्त के बारे में चर्चा जो करने जा रहे हैं, बहुत से साथी ये कमेंट कर किए थे इसलिए मैंने सोचा कि इस मुहूर्त को भी दे दूं और बता दूं। तो आए हम लोग अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त, यानी अपने ऐसा होता है कि भाई भाई में बंटवारा या नए घर का निर्माण, इस घर से उस घर में देवता को ले जाना, कब हमको चाहिए इस पर विचार हमें करना अति आवश्यक है। तो हम लोग देखें नक्षत्र मृगिश्रा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्वनी, पुख, स्वाति, पुनर्वस, श्रवण और घनिष्ठा, इन नक्षत्रों में हम देवताओं की, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तिथि, तिथि जो है 4, 9 और 14 यानी रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि तथा अमावस्या तिथि तथा प्रतिपदा यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इन सभी को छोड़ करके हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। वार कौन अच्छे होते हैं, मंगलवार को 7 दिन में छोड़ करके, 7 वार जो होते हैं उसमें मंगलवार को छोड़ करके या आपका जो कुलमान हो उसको छोड़ करके, इसको यदि कुलमान को भी वर्जित करें तथा अपने इस मंगलवार को भी वर्जित करके आप त्याग दें तथा आप प्राण प्रतिष्ठा करें। मास, माघ, फागुन, वैशाख, जेठ और श्रावण में शुभ होता है। आगे देखें, ये भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए थोड़ा कि जब सूर्य उत्तरायण में हो, जब सूर्य उत्तरायण हो दक्षिणायन में नहीं, तथा गुरु और शुक्र अस्त नहीं हो, गुरु शुक्र का उदय होना जरूरी है। मैं पिछले वीडियो में भी, पीछे के वीडियो में देखेंगे गुरु शुक्र कब अस्त हैं, प्रतिवर्ष के पंचांग के प्रथम पेज पर दिया हुआ रहता है जो मैं पुनः फिर दिखा देता हूं। देखिए प्रथम पेज के अंतिम नीचे को नीचे दाहिने और नीचे को आगे के कॉलम में यहाँ दिया हुआ है, इसको देखें गुरु कब उदय होते, उदय और अस्त होते हैं और शुक्र कब उदय अस्त होते हैं, यानी अस्त नहीं होना चाहिए। मलमास नहीं हो, यानी अधिक मास जो 3 साल के बाद चौथा साल जो मलमास लगता है, 1 महीना साल में बढ़ जाता है, उस वो समय न हो। इस प्रकार हम लोग देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में विचार करते हैं। साथियों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।